हे गाइस, जय श्री राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो गाइस, आज है कार्तिक पूर्णिमा की रात और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बैनर भी लगा हुआ, महादेव घाट में अभी मैं हूँ और ये मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं। काफी सारे लाइट्स से यहाँ पर रंगारंग किया गया है। पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर विभाग वाले सब लाइट, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सजावट किया है। आप लोगों को मैं बैक साइड दिखा सकता हूँ और काफी सारी तैयारी हो चुकी है। रंगारंग कार्यक्रम की भी तैयारी है, अभी जस्ट यहाँ पर डांस की भी तैयारी की गई। वहाँ पर स्टेज बना हुआ है, जहाँ पर बनता है स्टेज, वहाँ पर स्टेज बना हुआ है और काफी सारी तैयारी की गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं बताइए, और आप लोग देखने आ सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इन्वाइट है, आप लोग आ सकते हैं। आप लोग आके देखिए यहाँ पर माहौल कैसा है, कैसा नहीं, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करके कैसा लगा, कैसा नहीं। मैं चलो बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो कमेंट करना जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, कैसा नहीं। ठीक है, नदी का नजारा ये देख सकते हैं लोग, यहाँ पर काफी भीड़ भी है। अभी माहौल जैसे जैसे रात होते जाएगी, माहौल यहाँ पर बनेगा वैसा। और ये पूरा ये देख सकते हैं, काफी सुंदर नजारा है कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और हमारे डोंगा वाले भाई लोग भी है तैयारी, काफी लोग यहाँ पर दिया बाती अभी से कर रहे हैं, कई लोग हैं। और उधर गाना बजाना भी चल रहा है अभी, ये उधर सब तरफ सारपी लगा हुआ है अभी जस्ट, है ना। और डोंगा वाले भी जो भी अभी शेयर करना चाहते हैं अच्छे से घूम रहे हैं डोंगा में भी, है ना। लाइट कितना सुंदर सुंदर लगा हुआ है। अभी हाफ तैयारी है, अभी रात को चलेगा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम। इधर स्टेज बना हुआ है अभी, ठीक है, अभी रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। इधर इधर भी तैयारी चल रही है। यह है लक्ष्मण झूला, जहाँ पर लाइट की सजावट की गई है। और अभी यहाँ पर तैयारी ये चल रही है कि रात को लोग आएंगे, सुबह 4 बजे 3 बजे लोग आएंगे यहाँ पर हैं। आप सभी को तो ये आप सुंदर नजारा देख सकते हो। और यहाँ पर अभी भजन कीर्तन चल रहा है, यहाँ पर अभी जस्ट हनुमान जी का भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर तैयारी चल रही है सभी की, ये साउंड, ये काफी लोग बैठे हुए आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग सुंदर नजारा, बजरंग बली जी का भजन चल रहा है यहाँ पर सुंदर सा। और गाइस, बहुत भीड़ भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा नजारा भी बहुत सुंदर है। और यहाँ लोग हैं काफी समय से, सुंदर तैयारी की गई है विभाग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुंदर नजारा, सजावट भी बहुत अच्छी की गई, लाइटिंग की आप देख सकते हैं, तैयारी अच्छी है। काफी लोग धीरे धीरे करके, धीरे धीरे काफी लोग आ रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी के। तो जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलिएगा गाइस। जब भी हनुमान जी का नाम आता है वहां पर हम लोगों को एक अलग सा शक्ति महसूस होता है, तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं। सुबह 3-4 बजे यहाँ पर लोग पूजा पाठ को करेंगे तैयारी। और यहाँ पर विभाग के भी कुछ नेता भी आने वाले, एक स्टेज यहाँ बना हुआ है विभाग के पास, और ये गाना बजाने का स्टेज है। और ये सुंदर नजारा है। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को सजावट कैसा लगा गवर्नमेंट का। और बहुत सारी अभी सजावट अभी चल भी रही है, कुछ कुछ सजावट इधर हो रही है और लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है यहाँ पर अभी भी, कि कैसे लोग आएंगे। अभी सुबह सुबह आते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे लोग आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और उनकी व्यवस्था क्या रहेगी ये प्रशासन पूरा देख रही है। दोस्तों आइएगा आप लोग भी, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा है, बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, है ना, बहुत भव्य आयोजन किया गया। तो आप लोग आइए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और जरूर एक बार नदी में स्नान कीजिए, क्योंकि बहुत पुण्य मिलता है भाई, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहा गया है इसे। तो आप सभी को भी कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और अभी आगे कुछ कुछ है दिखाता हूँ आप लोगों को सजावट। अभी से भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। से अगर दीप लाना भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को भी दीप भी मिल जाएगा, जो फूलों के साथ यहाँ पर दोनों में
सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर दीप लाना भूल जाते हैं तो यहाँ से दीप लीजिए, क्योंकि इसी घाट में ज्यादा लोग आते हैं, इस घाट में ही ज्यादा लोग आते हैं स्नान करने, दीप प्रज्वलित करने और दीप को स्टोर करने। तो यहाँ पर हमारी एक आंटी है। आंटी आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी आंटी के पास आओ और ये दीप को जरूर लेना गाइस। अगर भूल भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लक्ष्मी आंटी यहाँ पर अभी रहेंगी, क्योंकि रात को 3 बजे आएंगे लोग, 3 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आना यहाँ पर, मैं बता दूं यहाँ पर ये लक्ष्मण झूला का गेट है, यहाँ से आएंगे लक्ष्मी आंटी के पास। ये दीप इतना सुंदर सुंदर है, इसे लेना और यस इस नदी में आप बहाना, ताकि भगवान प्रसन्न होके आप लोगों को आशीर्वाद दे। आंटी यहाँ पर कितना समय से चालू हो जाएगा, लोग कितने समय से आना चालू हो जाएगा, लोग कितने समय से आना चालू हो जाएगा? 3 बजे से हो जाते हैं, हाँ 3 बजे से आना चालू हो जाता है। तो यहाँ से दीप आप ले सकते हैं, दीप लेके आप लोग अपना पूजा पाठ इस घाट में कर सकते हैं। बहुत सुंदर नजारा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर सजावट किया गया प्रशासन की ओर से, उधर स्टेट भी लगा हुआ है उस पार में, है ना। यही घाट है, इस घाट में हम सभी आते हैं, काफी सालों से हम लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लगा भाई। आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। दीप प्रज्वलित हो चुका है, काफी लोग यहाँ पर दिया जला जला के जा चुके हैं। मेरे ख्याल से कई लोग हो सकते हैं सुबह ना उठ पाए, तो इस घाट में ज्यादा करके होता है, ये घाट पे काफी लोग आते हैं। अभी 3-4 बजे से आना चालू हो जाएगा लोगों का, यहाँ पर आके नहा के स्नान करके यहाँ डुबकी लगाएंगे 3 बार, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे यहाँ पर और दीप को भी बहाएंगे पानी में। मेरा एक चाहता बगिया महके के मेरे पास एक्टर एक मिल गए हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो सके तो भाई, हमारे सुपरस्टार भाई जो हमारे उड़िया एल्बम में भी बहुत अच्छा काम किए हैं, हमारे दीपक भाई, और इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इनका मैं उड़िया सॉन्ग में देखा कि मेरे उड़िया सॉन्ग में भी दीपक भाई आ गए, मुझे तो बहुत खुशी मिली भाई। मेरे को बहुत मैं अच्छा लगा कि दीपक भाई भी हमारे उड़िया सॉन्ग में। मैं सोच रहा था कि दीपक भाई लैंग्वेज कैसे बोल पाएंगे, कैसा हुआ था आपके साथ ये थोड़ा सा? तो भाई के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर विकास भैया भी आ गए हैं, है ना, विकास भैया भी आया, विकास भैया से भी पूछते हैं। भैया सजावट तो बहुत अच्छी है विकास भैया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, पूरे हमारे जितने भी यूट्यूबर के व्यूअर है सब बहुत पसंद कर रहे हैं, खास करके तो आपका बहुत मेहनत है भैया। नहीं भैया बिल्कुल, सजावट के लिए लोग बहुत खुश हो गए हैं देख के, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, बल्कि बहुत अच्छा लगा सभी को। ये देखो दीपक भाई भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने आए हैं उनकी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपक भाई से भी मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे दीपक भाई। ये देखो दीपक भाई के हेड है, तो कुछ बोलिए, आज का सजावट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मजा आ रहा है यहाँ पर? अभी कुछ देर में डांस चालू हो जाएगा, तो रहोगे अभी तो डांस देखने के लिए? अरे क्या बात है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना, D3 क्रिएशन CG04, CG04 हमारे रायपुर का कोड है। तो देखो दीपक भाई भी यहाँ पर दीप जला रहे हैं, अभी वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ यहाँ पर दीप छोड़ेंगे। देखो आतिश भी यहाँ पर वो कर रहे हैं भाई, भाई पूरा दीप जला चुके हैं। देखिए दीपक भाई की फैमिली है पूरी, यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दीपक भाई भी अब दीप छोड़ रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा नजारा है गाइस, और दीपक भाई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए हाँ तीज भी अब यहाँ पर छोड़ रहे हैं, सुबह नहीं आएगा शायद ये। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा? अभी आतिश भी यहाँ पर नदी में दीप को
जला के छोड़ चुके हैं, है ना? अच्छा, ओह माय गॉड। तो भाई कैसा लगा, विकास जी भी आए थे और दीपक भाई भी आए थे, तो हे गाइस कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि किए हैं हम लोग भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई हो यार सपोर्ट करना भी बनता आप लोगों का, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।